कि वो गांव छोड़कर शहर तो आ गया है लेकिन अपनी गांव की सोच भी लेकर आया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। अब ये लोग कुछ गहराई तक गए ही थे कि चंदू ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके आसपास कोई है और कोई उनका पीछा कर रहा है। कबीर ने चारों तरफ देखा और बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है सिवाय छोटे मोटे जंगली जानवरों के। हो सकता है कि कोई बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गया हो, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा हो। एक बार फिर सब चलने लगे। सब आपस में बात कर रहे थे कि खाने पीने का क्या क्या सामान है और किसे कैसे इस्तेमाल करना है। उनकी प्लानिंग थी कि किसी नदी या तालाब के किनारे टेंट लगाया जाए ताकि नदी से ताजी मछलियां भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। समीर ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके बैग में उनके हिसाब से पूरा दारू का स्टॉक है, किसी चीज की कमी नहीं होने वाली इस जंगल में। एक बार फिर चंदू को लगा जैसे कि कोई उसके साथ साथ तेजी से चल रहा है। चंदू ने चौंकते हुए पीछे देख अपने दोस्तों से कहा कि उसे पूरा यकीन है कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। कबीर ने नाराजगी से कहा कि अगर उसे नहीं जाना है तो वो वापस लौट जाए, वैसे भी कैंपेनिंग बहादुर लोगों का काम है, किसी डरपोक का नहीं। रात में अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो सारा मजा खराब हो जाएगा, इसलिए बेहतर है वो अभी ही चला जाए। चंदू बेचारा चुपचाप दोस्तों के साथ चलने लगा। तभी एकदम से सबके सामने कोई कूदा। चारों जहां थे वहीं थम गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने दो अधेड़ उम्र के लोग थे जिनके चेहरों पर और हाथों पर सफेद कलर के चूने की तरह कुछ डिजाइन बने हुए थे। उनके कंधों पर तीर और कमान थे और कमर के नीचे छोटा सा कपड़ा लपेट रखा था। अचानक ऐसे लोगों को देखकर चंदू घबरा गया और उसने कहा, कौन है ये लोग? इस पर कबीर ने कहा, चुपचाप खड़े रहो, ये लोग आदिवासी है, ये इसी जंगल में रहते हैं, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे इन्हें लगे कि इनको हमसे कोई खतरा है। कबीर आगे आया, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगा। कबीर के बाकी तीनों दोस्त हैरान थे कि यह क्या बोल रहा है। कबीर ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वह आदिवासी लोग भी कबीर की तरह कुछ कहने की कोशिश करने लगे, साथ ही साथ कुछ इशारा भी करने लगे। कबीर ने आखिर में अपना सिर झुकाकर कुछ बोला और वे लोग वहां से चल गए। कबीर के दोस्तों ने पूछा कि आखिर ये लोग कौन थे और क्या बात कर रहे थे, कबीर इनकी भाषा कैसे बोल रहा था जो बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी। कबीर कहता है कि उसके दादाजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उन्हें इन आदिवासियों की भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती थी। दादाजी के साथ वक्त बिताने के कारण उसने ये भाषा थोड़ी थोड़ी सीखी है। बाकी सब कबीर से इम्प्रेस